उसमें आज आपको बताने वाली हूँ कि डायबिटीज क्या है, क्यों हो जाती है, और आपने देखा होगा बहुत सारे लोग डायबिटीज में मोटे हो जाते हैं, कुछ पतले हो जाते हैं, इसका क्या कारण है। दोस्तों, हम डायबिटीज को शुगर के नाम से जानते हैं और मधुमेह के नाम से भी जानते हैं। जैसा इसके नाम में है मधुमेह शहद, जब आपके खून में शुगर यानी ग्लूकोज की मात्रा नॉर्मल से ज्यादा हो जाती है तो हम उसको कहते हैं डायबिटीज। दोस्तों, खून हमारे शरीर में पूरे में घूमता रहता है, उसमें नॉर्मल अमाउंट रहता है ग्लूकोज का। ये नॉर्मल अमाउंट ग्लूकोज का करने में कौन मदद करता है? हमारा इंसुलिन हार्मोन, जो कि पैंक्रियास के बीटा सेल से निकलता है। दोस्त, जब हम खाने में कोई मीठी चीज खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, तो पैंक्रियास अपने बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन निकालता है। इंसुलिन एक चाबी की तरह काम करता है, ग्लूकोज के सारे ताले खोलने का काम इंसुलिन हार्मोन ही करता है। आपने मीठा खाया, मीठा आपके ब्लड में गया, तो इंसुलिन हार्मोन ब्लड में से ग्लूकोज लेके मसल्स को भेजता है। मसल्स से कहता है कि तुम इसको एनर्जी के फॉर्म में यूज कर लेना, और जो भी ऑर्गन को जरूरत होगी वो ग्लूकोज भेज देगा। अब जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बचेगा आपके खून में, वो लीवर को दे देगा कि तुम इसको ग्लाइकोजन के फॉर्म में चेंज करके रख लो। जब ये इंसान खाना नहीं खाएगा या फिर इसको एनर्जी की जरूरत होगी, तो हम ग्लाइकोजन को ही ग्लूकोज के फॉर्म में चेंज करके इसको एनर्जी दे देंगे। ये नॉर्मल प्रोसेस होती है। बट जब आप अननेसेसरी बहुत ज्यादा मीठा खाने लगते हो और कोई फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं करते, कोई एक्सरसाइज भी नहीं करते, तो अननेसेसरी आपने ज्यादा मीठा खाया, जितना ज्यादा आप मीठा खाते हो उतना ज्यादा इंसुलिन हार्मोन निकलता है, राइट? तो ज्यादा आपने मीठा खाया, इंसुलिन हार्मोन निकला, इंसुलिन हार्मोन फिर से मसल्स के पास गया कि ये ग्लूकोज ले लो, पर मसल्स ने मना कर दिया कि हमारे पास ऑलरेडी ग्लूकोज है। इस आदमी ने, इसने कोई एक्सरसाइज ही नहीं करा, कोई एक्टिविटी ही नहीं करी, तो हमें ग्लूकोज की जरूरत नहीं है। अब इंसुलिन हार्मोन सोचता है उसको तो ब्लड में से ग्लूकोज लेवल नॉर्मल करना है, तो अब क्या करूं? तो ऐसे में इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज को फैट में चेंज कर देता, मतलब चर्बी के फॉर्म में चेंज कर देता, और ये चर्बी अलग अलग हिस्सों में भेज देता है। आपका पेट मोटा होने लगेगा, आपकी थाइस मोटे होने लगेंगे, आपके घुटने मोटे होने लगेंगे, तो अलग अलग हिस्सों में वो चर्बी भेज देता है इंसुलिन हार्मोन, क्योंकि आपने ज्यादा। तो इसलिए इंसान जब मीठा ज़्यादा खाता है तो मोटा होने लगता है, और ये इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, फैट को पेट में जमा कर देगा, आपकी थाइस में जमा कर देगा, आपके घुटनों में जमा कर देगा, और इसलिए आपको चलने फिरने में भी तकलीफ होने लगती है, आपकी चर्बी इधर उधर इकट्ठी हो जाती है। तो दिस इज़ द रीज़न कि आप अपने ग्लूकोज को यूज़ नहीं कर रहे हो फिजिकल एक्टिविटी करके, और आप खाते जा रहे हो, और जितना आप मीठा खाओगे उतना ही इंसुलिन हार्मोन बनेगा। अगर आप एनर्जी के फॉर्म में यूज़ नहीं करोगे ग्लूकोज को, तो ये इंसुलिन हार्मोन उस ग्लूकोज को फैट में चेंज कर देगा, यानी चर्बी के फॉर्म में, तो अब आप मोटे होने लगोगे। तो इस तरीके से वो ग्लूकोज नॉर्मल करना शुरू कर देता। बट आप फिर भी ज्यादा खाते रहते हो, मीठा ज्यादा खाते रहते हो, कोई एक्टिविटी नहीं करते हो, तो ऐसे में शरीर भी सोचता है, ओ माय गॉड, हाउ टू स्टॉप दिस गाय, कैसे मैं इसको रोकूं कि ये तो रुक ही नहीं रहा है, कोई एक्टिविटी भी नहीं कर रहा है कि ग्लूकोज यूज में आ जाए। तो ऐसे में पेंक्रियाज अपने बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन बनाना बंद कर देता है, कम कर देता है, ताकि कि वो मसल्स तक बार बार ग्लूकोज को फैट में चेंज ना करे, चर्बी के फॉर्म में चेंज ना करे। तो अब जैसे ही इंसुलिन हार्मोन कम बना, तो ग्लूकोज आपके खून में घूमना शुरू हो जाता है, ग्लूकोज का लेवल खून में बढ़ जाता है, और आपको हो जाती है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, जो आजकल हो रही है। अनियमित दिनचर्या, मतलब अनहेल्दी लाइफ स्टाइल, अननेसेसरी आप ज्यादा मीठा खा रहे हो, ज्यादा मीठा खा रहे हो तो आप फिर फिजिकल इनएक्टिव भी हो, कोई एक्सरसाइज भी नहीं कर रहा, तो यही आजकल ज्यादातर लोगों को हो रही है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। इसके 2 कारण मैंने आपको बता ही दिए हैं। थर्ड एक और कारण होता है स्ट्रेस। जब आप तनाव में होते हो, अलग अलग तनाव के अलग अलग वजहें होती हैं, आप अलग अलग परिस्थितियों से गुजरते हो, जब हालात आपके कंट्रोल में नहीं रहते हैं तो आप स्ट्रेस में आ जाते हो। बिकॉज ऑफ स्ट्रेस आपके ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है खून में, तो ये भी एक कारण होता है। अब कुछ लोग डायबिटीज में पतले हो जाते हैं, वो क्यों होते हैं पतले? उनको होती है टाइप 1 डायबिटीज मिलाइटस, जिसको हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलाइटस भी कहते हैं। उसमें क्या होता है, टाइप 1 डायबिटीज मिलाइटस में या तो आपको बचपन से डायबिटीज रहती है, या तो आपको जेनेटिक रहती है, मतलब आपके परिवार में किसी को थी, अब आपको हो गई है। इसमें क्या होता है कि जो पेंक्रियास के बीटा सेल है उन्हीं का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, पेंक्रियास के बीटा सेल ही टूट चुके होते हैं। अब ऐसे में पेंक्रियास के बीटा सेल ही नहीं है तो इंसुलिन हार्मोन भी नहीं है, टाइप 1 डायबिटीज मिलाइटस।
तो जैसे ही आपको मीठी चीज खाओगे, ग्लूकोज खाओगे, तो वो तो खून में घूमता रहेगा। इंसुलिन नहीं है तो वो मसल्स को नहीं भेजेगा, लीवर को नहीं भेजेगा, तो इस वजह से आपकी मसल्स हंग्री है, वो कहती है हम भूखे हैं, क्योंकि तो इंसुलिन हार्मोन ही नहीं है। तो इस वजह से टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस में इंसान दुबला हो जाता है। अब क्या होता है ना दोस्तों, कि बहुत सारे लोगों को डायबिटीज के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल की समस्या भी होने लगती है। वो कोलेस्ट्रॉल की समस्या इसलिए होने लगती है उसको, क्योंकि जैसे ही आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, तो ब्लड आपका गाढ़ा होना शुरू हो जाता है और आपकी खून में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। जब बैड कोलेस्ट्रॉल आपके खून में बढ़ता है, तो आपको हो जाता है कोलेस्ट्रॉल की समस्या। अब ये खून तो हर जगह जाता है, रक्तवाहिकाएं, ब्लड वेसल्स हर जगह जाती हैं, ऐसे में वो हार्ट की तरफ भी पहुंचती हैं, तो बहुत सारे पेशेंट को डायबिटीज में हार्ट ब्लॉकेज की समस्या भी होने लगती है, क्योंकि डायबिटीज में बहुत सारे ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचने लगता है। अब जो डायबिटीज के जो लक्षण आते हैं, कि उनको ज्यादा प्यास लग रही है, ज्यादा भूख लग रही है, ज्यादा यूरिन आ रहा है, तो ये क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है कि बॉडी ट्राई करती है कि आपका ग्लूकोज लेवल किसी तरीके से नॉर्मल करे, तो इसलिए किडनी के थ्रू खून में से बार बार ग्लूकोज बार बार निकालती है, यूरिन के थ्रू बार बार ग्लूकोज निकालेगी, बार बार ग्लूकोज निकालेगी, इसलिए आपको बार बार पेशाब आएगा। अब जब बार बार पेशाब आएगा, तो आपके शरीर से एक्स्ट्रा पानी भी निकलता चला जाएगा, आप डिहाइड्रेटेड होने लगे, तो इसलिए आप ज्यादा पानी पीते हो। बहुत सारे लोगों का मुंह सूखने लगता है, क्योंकि उनको बार बार पेशाब आ रहा है, कि बॉडी ट्राई कर रही है किसी तरीके से ग्लूकोज नॉर्मल हो इसका। अब भूख क्यों ज्यादा लगती है? भूख इसलिए लगती है कि इंसुलिन हार्मोन कम हो गया है। अब जो ग्लूकोज था मसल्स तक भी नहीं पहुंच पा रहा है, मसल्स में चर्बी जमा हो गई है, तो ऐसे में आप कमजोरी महसूस होने लगती है और आप ज्यादा खाना खा लेते हो। बहुत सारे लोगों को तलवों में जलन होने लगती है, बिकॉज ग्लूकोज लेवल आपके खून में बढ़ गया है, तो ये जलन का कारण करता है और आपको कमजोरी महसूस होने लगती है और आप थका थका सा महसूस करने लगते हो। अब क्या होता है कि आपको कैसे पहचाने कि आपको डायबिटीज हो गया? 3 तरीके के टेस्ट होते हैं दोस्तों। एक टेस्ट होता है फास्टिंग वाला टेस्ट, मतलब आपके भूखे पेट टेस्ट होता है, कि पिछले 8 घंटे में आपने कुछ भी नहीं खाया हो, तो वो अगर less than 100 mg/dL आया है आपका, तो नॉर्मल है। 100 से 124 mg/dL आया, मतलब प्री डायबिटिक स्टेज है, आप डायबिटीज की तरफ बढ़ रहे हो, कंट्रोल करने की जरूरत है आपको। फास्टिंग कंडीशन में 125 mg/dL आया है फास्टिंग कंडीशन में, तो मतलब आपको डायबिटीज हो गया। ये फास्टिंग वाला टेस्ट होता है। एक और टेस्ट होता है पोस्ट पेरेंटियल टेस्ट, जो खाने के 2 घंटे बाद किया जाता है। खाने के 2 घंटे बाद अगर आपका ग्लूकोज लेवल less than 140 mg/dL आया है, तो मतलब आपको डायबिटीज नहीं है। 140 से 199 आया है, तो प्री डायबिटिक कंडीशन है, या 200 या फिर उससे ज्यादा आया है, तो मतलब आपको डायबिटीज हो गई। एक और टेस्ट करते हैं डायबिटीज के लिए, जिसको HbA1c टेस्ट कहते हैं। HB मीन्स होता है हीमोग्लोबिन, HB जहां भी लिखा हो, तो उसका मतलब होता है हीमोग्लोबिन, मतलब आपके खून में पता करते हैं कि पिछले 3 महीने में आपके खून में ग्लूकोज का अमाउंट कितना रहा है, आपने कितना कंट्रोल किया है, तो उससे पता करते हैं HbA1c टेस्ट से। ये परसेंटेज के फॉर्म में आता है, 5.6% हो या फिर उससे कम हो तो नॉर्मल है, 5.6% से ज्यादा हो, 6.5% हो, तो मतलब आपको डायबिटीज है।